एक बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट के हिसाब से आपको बता दो कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का नाम रिवील हो चुका है। इसका नाम है पठान और ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, पीपिंग मून नाम की एक वेबसाइट के द्वारा ये खबर आई है और ये खबर में बहुत ही बढ़िया जान है और जिस खबर का हमें इंतजार था शाहरुख खान से जुड़ी हुई, उसका वो खबर हमें मिल चुकी है। ये फिल्म अनाउंस होगी अगले महीने यानी कि सितंबर महीने में और हो सकता है 27 सितंबर को जब यश चोपड़ा का बर्थडे है उस दौरान ये फिल्म अनाउंस होगी। और वैसे भी अगले महीने यश राज फिल्म्स का 50th एनिवर्सरी भी है जिस उपलक्ष्य में ये फिल्म अनाउंस होगी। और मुझे कुछ दिन पहले मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था और शाहरुख खान एक बहुत बड़ा नाम है और शाहरुख खान का यश चोपड़ा और यश राज का एक बहुत पुराना नाता है, तो मुझे पता था अगर बुरा वक्त है तो यश राज फिल्म जरूर उन्हें उनका बोलते ना नैया जो है वो पार लगाने के लिए आएंगी शाहरुख खान की। और यहाँ पर ये फिल्म का नाम पठान है और सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल लोकेशन पर ये फिल्म शूट होने वाली है और इसके अलावा आपको बता दो कि सिद्धार्थ आनंद वही डायरेक्टर जिन्होंने वॉल जैसी कामयाब फिल्म वायरफ को दी है 2019 में। और इस फिल्म में हीरोइन कौन होगी ये अभी तक तय नहीं है। दीपिका पादुकोण का नाम जरूर जोड़ा जा रहा है क्योंकि उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर और इसके अलावा कई सारी और फिल्में की है, ओम शांति ओम भी और 3 फिल्में की है, चेन्नई एक्सप्रेस भी, तो कुल मिलाकर वो भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकती है। एनीवेज उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये है कि पठान शाहरुख खान की आने वाली है और राजकुमार हिरानी के साथ जो उनकी एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग शायद कनाडा में होने वाली थी वो फिलहाल पोस्टपोन्ड और कर दी गई क्योंकि माहौल अभी फिलहाल पता है कैसा है और कनाडा में शूटिंग का कोई परमिशन नहीं है। तो वो अगर अनाउंस भी होगी शाहरुख खान की तो 2021 में ही होगी। और ये फिल्म जो पठान है इसकी शूटिंग अक्टूबर से शुरू करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल सिचुएशंस आपको पता है कैसे है, एकदम ही संजीदा है। तो कुल मिला के ये भी फिल्म 3-4 महीना आगे भी खिसक सकती है, शूटिंग में भी जनवरी 2021 शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान बनने वाली है और जिसे रईस में उनका नाम रईस और फिल्म का नाम भी रईस था, वैसे ही इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम पठान और फिल्म का नाम भी पठान है और ये एक्शन ड्रामा होने वाली है। और एक्शन में सिद्धार्थ आनंद का हाथ मुझे नहीं लगता है बॉलीवुड में फिलहाल कोई पकड़ सकता है। वॉर हो, बैंग बैंग हो, जो भी हो, इन सब में एक्शन बहुत कमाल के थे। तो ये कमाल की न्यूज है शाहरुख खान से जुड़ी हुई और ये खबर इतनी बढ़िया है कि बताए बगैर मुझे रोका नहीं गया खुद को, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस कई महीनों से इंतजार करके, सालों से इंतजार कर, 2018 के जीरो के बाद जो उनकी फिल्म आई थी उसके बाद कोई फिल्म नहीं दिखी, तो 3 साल के सूखे के बाद शाहरुख खान ने ये फिल्म अनाउंस की है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। और ये फिल्म को कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में रिलीज डेट की चांसेस है, बट फिलहाल अभी कोई क्लैरिटी नहीं क्योंकि यशराज फिल्म्स हो या कोई भी फिल्म्स हो आजकल रिलीज डेट आगे पीछे होती रहती है। तो आपकी क्या राय है शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।